बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। लाखों करोड़ दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं। मेरा नाम प्रोफेसर अख्तर अली बलोच है, डायरेक्टर हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में। नवंबर के महीने के हवाले से कुछ गुजारिशात आपसे रेस करना चाहूँगा। ये इस मंथ में ना सिर्फ पाकिस्तान पर पूरी दुनिया में डायबिटीज़ का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद है कि लोगों में इस मर्ज़ के बारे में आगाही पैदा की जाए। ये मर्ज़ पूरी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में पर पूरी दुनिया में। पाकिस्तान इस वक्त तीसरे नंबर पे आ गया है, तो इसकी बहुत अशद ज़रूरत है कि इस मर्ज़ के बारे में लोगों में आगाही पैदा की जाए। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी रोकथाम भी की जा सकती है, और अगर जिनको हो गया है तो वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है पेचीदगियों के अलावा। अगर आप मुतवाज़न ग़िज़ा लेते रहें, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, सिगरेट स्मोकिंग को तर्क करें, अपने मोटापे पे काबू रखें, तो अपने ब्लड प्रेशर को काबू रखें, तो आप इस मर्ज से बच सकते हैं। अगर जिनको हो गया है तो उनको उन पर ज़रूरी है कि वो अपने मालिक से ताल्लुक जोड़े रखें, अपने ओदियात वक्त पे लें, और ये तमाम चीज़ों पर जिनका मैंने अर्ज़ किया कि वक्त पे दवाइयाँ लें और एक्सरसाइज को मामूल बनाएं, मुतवाज़न ग़िज़ा लें और तम्बाकू नोशी को तर्क करें, तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस महीने के इस आलमी दिन के हवाले से मेरी ये बातें आपके लिए मुफीद होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।